issue of share to promoters. Sometime company issued share to promoters for their services to the company. यानी कुछ समय कई कई कंपनियां क्या करती हैं अपने promoters को share issue करती हैं किस लिए जो उन्होंने service provide किया हो किसके लिए company के लिए. Such issue of share also come under the category of issue of share for consideration other than cash. इस टाइप जब कंपनियां शेयर इशू करती हैं किसको प्रमोटर्स को तो इस टाइप के जो शेयर को आती है वो किसके अंतर्गत आती है अदर देन कैश के अंतर्गत कंसीडरेशन अदर देन कैश के अंतर्गत. फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे क्या क्या गया इट इज द इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या कह सकते हो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस. यानी इस टाइप की जो भी एक्सपेंसेस आती है उसको कंपनी किसमें कैलकुलेट करती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस में. हेंस द अमाउंट ऑफ द डेबिटेड टू द इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट. इस टाइप के जो अमाउंट को होती है उसको कहां डेबिट करती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पे. यानी कंपनी जब भी अपने प्रमोटर्स को जो कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइड किए हुए हैं उनको जब कंपनी शेयर इशू कर करती है तब वहां पे क्या क्या आता है वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हो सकता है या उसे हम कह सकते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस. तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी दो टाइप से कर सकती है एक एट पार पे और दूसरा किस पे करती है एट प्रीमियम पे. अगर एट पार पे कर रही है तब कंपनी जनरेट क्या करेगी अपने आप पे जब इशू ऑफ शेयर करती है तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अगर एट पार पे कर रही है तो प्रीमियम नहीं होगा तभी कंडीशन जनरेट क्या होगा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ओके अब अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है किसको अपने प्रमोटर्स को कर रही है उनके सर्विस के क्या कह इसमें जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया किसको कंपनी को तब अगर कंपनी से इशू करे किस पे एट प्रीमियम पे तब कंडीशन में जो जनरल एंटिटी आएगी वो क्या आएगा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. इस टाइप से कंपनियां किसको शेयर इशू करती है प्रमोटर्स को. सेम इसी हिसाब से कंपनियां किसको भी और इशू कर सकती है कंपनियां अदर देन कैश कंडीशन किसमें आ सकता है वो अंडर राइटन में. ओके okay?